वेलकम टू माय चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। आज की पेंटिंग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैंने दो फ्लावर्स को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के लिए मैंने ट्रेस पेपर की हेल्प ली है। दो फ्लावर्स को ड्रॉ कर मैंने लीव्स को भी थोड़ा सा उसमें हाईलाइट किया है। पेंटिंग को स्टार्ट किया है मैंने ग्रे कलर के साथ और यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश विद साइज 0 का यूज़ किया है। आप देखेंगे पेंटिंग में कि फ्लावर की पेटल्स में मैंने शेडिंग को बहुत डिफर किया है जिससे हमारा फ्लावर बहुत सुंदर दिखाई देगा और लीव्स को भी अलग से ही मैंने शेडिंग की है जिससे लीव्स भी बहुत हाईलाइटेड दिखाई देंगे। आज की पेंटिंग में आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, तो चलिए आगे पेंटिंग को देखते हैं। ग्रे कलर की नेक्स्ट मैंने येलो कलर का यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे ग्रे कलर को मैंने डिफरेंट शेडिंग दी है हर पेटल में, वैसे ही मैंने येलो कलर को भी डिफर किया है हर पेटल में। इससे हमारी शेडिंग बहुत सुंदर दिखाई देगी और हमको हर पेटल में कुछ ना कुछ अलग दिखाई देगा। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। पेटल्स में येलो कलर के नेक्स्ट अभी मैंने वाइट कलर को फ्लावर में पेंट करना स्टार्ट किया है। वाइट कलर की भी शेडिंग मैंने बहुत डिफर करी है इस पेंटिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट कलर को कहीं से मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ और कहीं से मैं बाउंड्री से, और ऐसे मैंने शेडिंग को बहुत सुंदर बनाया है। वाइट कलर को यहाँ पर मैंने ग्रीन और येलो कलर दोनों में अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग के लिए हमने कलर्स को ज़्यादा सूखने नहीं देना है। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। इस पेंटिंग में मेन फ्लावर्स के अराउंड मैंने येलो कलर से कुछ स्मॉल फ्लावर्स को भी पेंट किया है। इनमें मैंने बहुत सिंपल सी टेक्निक का ही यूज़ किया है और फ्लावर्स की 4 ही पेटल मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। इस पेंटिंग में मैंने लीव्स को भी बहुत कलरफुल बनाया है और कलरफुल बनाने के लिए उनमें मैंने मल्टीपल कलर्स को एक दूसरे में ब्लेंड किया है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है और डार्क ग्रीन कलर में कई जगह पर मैंने येलो कलर को ब्लेंड किया है और कहीं पे मैंने वाइट, और कुछ लीव्स को मैंने ब्राउन और वाइट कलर से पेंट किया है। आई होप कि आपको भी लीव्स बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। इस लीफ को पेंट करने के लिए मैंने ब्रश के ऊपर हाफ पार्ट में ब्राउन और हाफ पार्ट में वाइट कलर का यूज़ किया है और फिर उसको कपड़े के ऊपर लीफ को पेंट करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे हमारी लीफ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अगर आप भी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें तो आप मेरी प्ले लिस्ट को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से पेंटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने राउंड ब्रश साइज 0 की हेल्प से स्मॉल फ्लावर्स को कंप्लीट किया है ब्राउन कलर की डॉट से और मैंने ब्रांचेस को कंप्लीट किया है डार्क ग्रीन कलर से।
तो चलिए अभी हम लीव्स को कंप्लीट लुक देते हैं। कंप्लीट लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है और ब्रश यहाँ पर मैंने राउंड विद डबल ज़ीरो वाला यूज़ किया है। ब्लैक कलर की हेल्प से यहाँ पर मैंने लीव्स में लाइंस को ड्रॉ किया है और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने बहुत सिंपल सी टेक्निक का ही यूज़ किया है, जिससे हमारी लीव्स एक हाईलाइट भी हो जाती है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। आई होप कि आप भी ये टेक्निक को अपनी पेंटिंग में यूज़ करेंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। फ्लावर्स की डिटेलिंग भी मैंने ब्लैक कलर से ही दी है। ब्लैक कलर से जैसे हमने लीव्स में लाइंस को ड्रॉ किया है, वैसे ही मैंने फ्लावर के सेंटर से लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है और इस वे में मैंने इस पेंटिंग में फ्लावर को डिटेलिंग दी है और सेंटर में फिर मैंने वाइट कलर और ब्राउन कलर की डॉट्स को अप्लाई किया है और फ्लावर के कम्प्लीट लुक को मैंने रेडी किया है। सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मेन फ्लावर्स के सेंटर को जैसे आपने देखा कि मैंने वाइट और ब्राउन डॉट से कंप्लीट किया है, अभी हम स्मॉल फ्लावर्स को कंप्लीट लुक देंगे वाइट कलर के साथ। वाइट कलर से यहाँ पर मैंने स्मॉल फ्लावर्स को आउटलाइनिंग दी है और ऐसे हमारी पेंटिंग सारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आज की पेंटिंग आपके लिए काफ़ी लर्निंग रही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।